स्टूडेंट्स, हमारा वास्ता बाइनोमियल एक्सपेंशन का डेरिवेटिव्स में किस तरह बनता है और बाइनोमियल एक्सपेंशन और डेरिवेटिव्स में का आपस में क्या अलग होता है, इसको सीखने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली डेरिवेटिव्स में किस तरह इस्तेमाल होती है और बाइनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है। आप देखते हैं ए प्लस बी फोर पावर थ्री, यह आता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन है, लेकिन हम डायरेक्ट चूंकि फॉर्मूला जानते हैं इसलिए हमने ये लिख दिया। अब आपको बताता हूं ये ए प्लस बी होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे ये फॉर्मूला बनता है। बेसिकली ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू थ्री सी जीरो ए पावर, इन दोनों का डिफरेंस थ्री माइनस जीरो थ्री, एंड बी पावर ये जीरो प्लस थ्री सी वन, ये कॉम्बिनेशन होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर में बटन होता है एनसीआर और एनपीआर का, थ्री सी जीरो आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे 3 प्रेस करें, फिर C प्रेस करें, फिर 0 प्रेस करें, रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। ये 3C0 जो है 1 होता है। आप ये कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स देते हैं आपको। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, ये 3 है, ये 1 है। इसके कोफिशिएंट्स के लिए पास्कल ट्रायंगल की इस्तेमाल होती है, वो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिसमें प्योरली मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन पे काम किया था उसमें मैंने आपको बताया है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के टॉपिक में फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हैं उसको भी। तो ये कोफिशिएंट्स आपको देता है, अब 3c0 a पावर 3 माइनस 0 3 b पावर 0, 3c1 a पावर 3 माइनस 1 2 b पावर 1 प्लस 3c2 a पावर 3 माइनस 2 1 b पावर 2 प्लस 3c3 a पावर 3 माइनस 3 यानी 0 एंड b पावर ये वाली 3। अब हम इसको देखते हैं 3c0 कैलकुलेटर से चेक करें, 1 आता है, ये a क्यूब है, b पावर 0 भी 1 होता है, ना ये 1 लिखेंगे ना ये 1 लिखेंगे, a क्यूब आ गया, वो आप देख सकते हैं क्यूब है। प्लस 3c1 कैलकुलेटर से चेक करें, 3 आएगा, a स्क्वायर है, ये b पावर b होता है, ये देख लें। प्लस 3c2 में कैलकुलेटर से चेक करें, 3 आएगा, a b स्क्वायर आएगा, और 3c3 कैलकुलेटर पे चेक करें तो 1 आता है, यानी इसका कोफिशिएंट आखिरी टर्म का 1 है, a पावर 0 भी 1 है और ये b क्यूब बचेगा। बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है, इससे यही फॉर्मूला में अचीव होता है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का डेरिवेटिव्स के साथ क्या अलग है और डेरिवेटिव में कैसे इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली डेरिवेटिव्स में कुछ फंक्शंस ऐसे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 5 ओवर 2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल होगी। For example, y is equal to x power 5 over 2 है। पहला step, ab initio method, first principle आपको बता दिया है, मेरी last video में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। y plus del y is equal to x plus del x power 5 over 2। दूसरा step, del y, y को उधर minus करेंगे, x plus del x power 5 over 2। और y को जब माइनस करने की बजाय इसकी वैल्यू जो x में है वो माइनस करेंगे x पावर 5 ओवर 2। अब आप इस तरह कर सकते हैं कि इसमें से x कॉमन ले लें, जब आप x कॉमन लेंगे तो x की पावर 5 ओवर 2 कॉमन आएगी और यहां आ जाएगा 1 प्लस डेल x ओवर x होल पावर 5 ओवर 2 माइनस एक्स पावर 5 ओवर।
ये एक तरह से एक क्वेश्चन है आपका, वो भी सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपकी 2.1 एक्सरसाइज है सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में, 2.1 एक्सरसाइज है। अब मुझे पार्ट याद नहीं है लेकिन ये पार्ट उसमें मौजूद है, तो वो भी हो जाएगा और आपको एग्जांपल भी समझ आ जाएगी कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो भी हमने समझ लिया है वो डेरिवेटिव्स में किस तरह इस्तेमाल होता है। अब ये 1 + x पावर n फार्मूला चलेगा, x की पावर 5 होगा 2, 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस 5 पावर 2, और ये वैल्यू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 5 ओवर 2 माइनस 1 डेल एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन और माइनस एक्स पावर 5 ओवर 2। अब अगर आप इसमें से x पावर 5 ओवर 2 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आता है x पावर 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 प्लस 5 ओवर 2 देन x ओवर x प्लस 5 ओवर 2 और 5 ओवर 2 में से 1 माइनस करें तो 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल देन x ओवर x होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और जब इसमें से कॉमन ले लिया तो ये माइनस 1 आएगा। अब देखें ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाते हैं। अब जो आपके पास टर्म्स बची हैं इन सब में डेल एक्स मौजूद है, आप इसमें से डेल एक्स कॉमन ले सकते हैं और वो आप कॉमन ले लें। डेल एक्स आपने कॉमन ले लिया डॉट एक्स पावर 5 ओवर 2 और क्लियरली डेल एक्स जब कॉमन लेंगे तो डेल एक्स कम हो जाएगा 5 ओवर 2 1 ओवर एक्स डेल एक्स आउट हो गया प्लस 5 3 का 15 ओवर 2 2 का 4 और 4 2 का 8 कर सकते हैं। एक डेल एक्स होगा, एक स्क्वायर में से एक निकल गया, एक बच गया लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस आप उसको मान, ये शॉर्ट सा मामला हो गया। अब ये जो डेल एक्स है सेकंड स्टेप में जब ये माइनस होता है फिर इसकी सिंपलीफिकेशन होती है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया था कि ये जो सेकंड स्टेप है थोड़ा सा लेंथी होता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में ये जो डेल एक्स है इसको लेफ्ट साइड पे डेल वाई से डिवाइड करते हैं, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 2x कर सकते हैं उसमें तो मल्टीप्लाई कर दें प्लस 15 ओवर 8 डेल एक्स सिंगल एंड एक्स स्क्वायर प्लस आपको सोना। मैं अभी टर्म इसलिए नहीं लिख रहा कि वो जीरो हो जानी है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स की सारी टर्म जीरो हो जाएंगे। तो अब आप लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ डेल एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स approaches to 0 x power 5 over 2 ये आपने लिख लिया होगा, मैं जरा स्पेस बना रहा हूं। x power 5 over 2 ब्रैकेट में आएगा 5 over 2 x plus 15 over 8 then x over x square plus up to so on, कितना सा मामला रह गया। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल वाई ओवर डेल एक्स बनेगा डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे एक्स पावर 5 ओवर 2 ऐसे चित्र रहेगा और उसके बाद हमारे पास आएगा 5 ओवर 2 एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस आपको सोन, बाकी सारी टर्म जीरो, सिर्फ ये बचेगा। अब ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 ओवर 2 आएगा, x की पावर 5 ओवर 2 है और ये x की पावर 1 है, 1 पावर क्योंकि डिवाइड हो रही है ये उसमें से पावर माइनस हो जाएगी x की पावर 5 ओवर 2 माइनस 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 5 ओवर 2 x की पावर 5 ओवर 2 माइनस 1 3 ओवर 2, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया x की पावर 5 ओवर 2। तो ये आप पावर रूट से भी
चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हमने देख लिया कि 1 plus nx n into n minus 1 up to 4 ये चला है। अब ये 1 plus x power n का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी ये समझा। डेरिवेटिव में इसका यूज आपने देख लिया कि फ्रैक्शनल पावर्स में या n पावर्स है या बड़ी फाइव पावर्स है तो उसमें आपको ये यूज करना पड़ता है, छोटी पावर्स में मसला नहीं होता, यहां हमें मसला होता है। अब हम आते हैं 1 plus x power n को समझने की तरफ, कि 1 plus x power n कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उसकी एक्सपेंशन समझते हैं। 1 plus x power n बेसिकली ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 होती है, सेकंड टर्म x होती है, और ये x अमूमन लेस देन 1 होता है, फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसको लिखते हैं 1 plus nx plus n multiply n minus 1 over 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube plus up to so on। ये चलता जाएगा जब तक हम n minus n तक नहीं पहुंचते, मतलब वो टर्म खत्म हो जाती है। तो इसको अब हम समझते हैं क्या ये ट्रू है या कैसे ट्रू है। हम आसानी के लिए n नहीं लिखते, हम एक छोटा नंबर लेते हैं 4। तो 1 plus x power 4 को ओपन करते हैं और इसी असूल से ओपन करते हैं, इस इक्वल टू 1 plus nx है, nx का मतलब 4x plus n into n minus 1, यानी 4 into 4 minus 1, 4 dot 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 multiply 4 minus 1, 3 होता है, over 2 factorial, और आगे देखिए x square लिखा था, x square लिख दिया, plus 4 dot 3 dot 2, n into n minus 1, n minus 2, 4 minus 2, 2 आता है, divided by 3 factorial x cube plus 4.3.2.1। अब आगे चलेगा सिलसिला, लेकिन यहां से आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि 1 के बाद 0 आता है, और अगर हम 0 करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, वो 4 minus 4 बनता है, तो over 4 factorial x की पावर 4, ये है आपकी लास्ट टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स हैं, जिस तरह बाइनोमियल का रूल है, जितनी पावर होती है उससे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको साथ ही बता दूं, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, यहां आप देख सकते हैं ये जो कि फॉर्मूला आपको पता है, 1 2 3 टर्म्स हैं, पावर 2 है, तो टर्म्स की तादाद पावर से ज्यादा होती है, तो ये आपके सामने है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। 1 plus 4x plus 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 होता है, 2 का 2 2 to the 4 2 3 the 6 6x square plus 3 factorial होता है 6, 3 multiply by 2 multiply by 1 6, और ये भी 6 है, 3 2 6 ये कैंसिल कर दें, 4x cube आएगा, और plus 4 का factorial, और ये लिखा हुआ है 4 का factorial, 4 3 2 1 ये भी 4 factorial, ये पूरा पूरा कैंसिल कर दें, x power 4। तो ये आई है हमारे पास expansion 1 plus x power 4 की, जिसको हमने totally इसके साथ compare किया और ये इसके साथ match करती है, यानी कि ये मामला true है। अब मजीद हम इसको समझने के लिए 1 plus x power 4 को लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन में, अगर इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं तो क्या यही बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हम लिखते हैं 4c0, 1 power 4 minus 0, 4, जिसका हमने पहले देखा था, x power 0 plus 4c1, 1 power 4 minus 1, 3, फर्स्ट की पावर इनका डिफरेंस होता है, सेकंड की पावर ये नीचे वाला होता है, r होता है, ncr ये बेसिकली फार्मूला है, 4c1 1 पावर 3 x पावर 1 प्लस 4c2 1 पावर 4 माइनस 2 2 एंड x पावर 2 प्लस 4c3 1 की पावर 4 माइनस 3 1 और x की पावर 3 प्लस 4c4 1 की पावर 4 माइनस 4 0 x की पावर 4। अब हम देखते हैं फाइनल अंदर 4c0 1 आता है, 1 की पावर 4 1 आता है, x पावर 0 1 आता है, ये तीनों 1 मिलके 1 हमें देते हैं।
फोर सी वन, फोर आता है कैलकुलेटर यूज करें देख सकते हैं, फोर वन की पावर थ्री वन आएगा एक्स आ गया, फोर सी टू कैलकुलेटर से चेक करें सिक्स आएगा, वन का स्क्वायर वन आता है एक्स स्क्वायर, फोर सी थ्री फोर आता है वन की पावर वन वन एक्स की पावर थ्री, और प्लस फोर सी फोर वन आता है वन की पावर जीरो वन आता है एक्स पावर फोर। अब आप इसको कम्बिनेशन को यूज करते हुए भी देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, और इसके साथ हमने कंपेयर किया ये भी सेम है, ये है आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और एफएससी हमारे पाकिस्तान में एफएससी पार्ट 2 जो है इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने जरूरी समझा कि आपको बेसिक्स बता दूं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का आपके डेरिवेटिव्स में क्या यूज होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। बहुत से लोगों ने काम किया होता है, अल्लाह ताला उसको अजर दे। हमारी कोशिश है कि सब लोगों को अल्लाह ताला इस चीज की हिम्मत दे, तौफीक दे। लेकिन बात करने का अंदाज क्या होता है, बात समझ आती है नहीं आती है, ये मैटर करता है। अगर आपको बात समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी, आपके स्टूडेंट्स को, कोरोना का मामला है, लोग घर में बैठे हुए हैं, उनको समझ आ सके। इसलिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग घर में बैठ के पढ़ सके। बहुत शुक्रिया।